तो अपने गोप्रो की भी पूजा हो गई है, बढ़िया से भगवान जी से आशीर्वाद दिलवा दिया है, बढ़िया से ब्लॉगिंग करेंगे। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अपना गोप्रो हीरो 11 आ चुका है। हीरो 10 लेने गए थे बट हीरो 11 ले लिया, पहले ही मतलब बुक करा लिया था हीरो 11। तो जिस प्राइस रेंज में मेरे को हीरो 10 मिल रहा था उसी प्राइस रेंज में मेरे को हीरो 11 मिल गया, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। और है ना, फिलहाल यहाँ पे चेक करो, ये रेलिंग भी अपनी लग चुकी है, पूरा फ्रेम वर्क अभी तैयार हुआ है, बीच में ग्लास लगने हैं तो वो भी आज या कल में लग जाएगा। वैसे बोला था उन्होंने कि आज लग जाएगा ट्यूसडे को, जब हमने एक हफ्ते पहले दिया था, क्योंकि इसका ना ऑर्डर जाता है, इसमें पूरे ब्लैक ग्लास लगने हैं, जैसे यहाँ विंडो पे लगे हैं ना, तो इसका जो टफन आएगा ना उसके लिए ऑर्डर पे जाता है। तो ऑर्डर कम से कम वो बोलते हैं मिनिमम 1 वीक तो चाहिए हमको, तो इसमें लग जाएगा। और यहाँ चेक करो, रेलिंग बाद में लगी, कपड़े पहले सूखने लग गए, देख रहे हो। तो फिलहाल अभी जाते हैं मंदिर एंड अपनी गोप्रो की पूजा करा के आते हैं सबसे पहले। तो भैया लड्डू मिल जाएंगे? भगवान जी को चढ़ाने के लिए ना प्रसाद भी ले लिया है, तो बूंदी का लड्डू चढ़ाएंगे। देखिए बहुत सुंदर कैमरा, हाथ हाथ एक ओम मरी ओम महामंत्रिया चम्यम प्राणायाम्य हस्त वृक्षा भारत कंडरा सराहु के हु सर्वे ग्रह आर्य हवती कदी सांग कदी मध्ये उत्तर कदी शास्त्र कृते सकल प्राप्ति कामः श्री स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टने मेहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर् दधातु प्रगल्भा मोहवाहो पृष्ठवाजदा यः शतमिन् शरदो अंतिदेवा चतरान शिखर जरशम तनु नाम पुत्रासो जिद्रपितरो भवन्त्यः ओम सवानी देव शवित दुरीतानि पराशुवा जलवधनम तन्न आशुवाः देवो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः। तो अपने गोप्रो की भी पूजा हो गई है, बढ़िया से भगवान जी से आशीर्वाद दिलवा दिया है, बढ़िया से ब्लॉगिंग करेंगे और आशीर्वाद दिलाया कि भाई आखिर तक टिके रहना गोप्रो हमारे साथ। मंदिर से घर आ चुके हैं एंड इसकी पूजा वगैरह भी सब हो चुकी है, तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत आपको अनबॉक्स करके दिखा दूंगा कि इसके अंदर मेरे को क्या क्या एसेसरीज वगैरह मिली है। और वैसे अभी ये पूरा रेडी हो चुका है व्लॉग शूट करने के लिए, बट अभी तक मैंने इसको कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, और देख लो भाई कुछ इस तरीके से सेटअप किया हुआ है। तो जो लास्ट वीडियो देखा होगा ना आपने, तो उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यार पूरा सेटअप बनाने में, एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे, कैमरा सामने पे, सब कुछ मैंने अकेले किया था। जो DSLR वो मैंने ऑटो फोकस में डाला हुआ था, सारी वीडियोस वैसे ही बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता भाई अकेले सब कुछ करना। ठीक है, तो ये कुछ अपना पूरा GoPro का बॉक्स है, जो मैंने हीरो 10 मंगाया था ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग था, इसका काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसका काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो इसमें पूरा हीरो 11 ब्लैक ऐसे में लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया हुआ है, ये भी कुछ की बॉक्स के अंदर क्या क्या है, बाकी 2 ईयर वारंटी कार्ड अपना यहाँ पे है, और ये तो अपना है ही अपना होलोग्राम है ना। जो इंडिया का GoPro आता है ना तो उसमें 2 ईयर की वारंटी लिखी होती है, यहाँ पे ऑफिशियल प्रोडक्ट इंडिया का लेबल भी लगा हुआ है,
बाकी पीछे 1 ईयर इंटरनेशनल प्लस 1 ईयर इंडिया एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है इसमें, 2 ईयर टोटल वारंटी मिलती है, ठीक है। बट जो इसकी 1 ईयर की इंडिया की वारंटी है ना, वो मेरे को 30 डेज के विद इन मतलब अंदर क्लेम करनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे को मिलेगी पूरी 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी, बाकी वरना मेरे को सिर्फ 1 ही साल की मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। अनबॉक्स तो कर दिया था, तो सेम वैसे ही बॉक्स है जैसे मेरे को हीरो 10 में मिला था, GoPro की ब्रांडिंग में यहाँ पे पूरी अच्छे से हो रही है, तो सेम ऐसी बॉक्स था उसमें भी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, तो ये है अपना GoPro जिसकी अच्छे से पूजा करवा दी थी हमने, ठीक है। तो सेम ये USB टाइप सी केबल है, और ये हेलमेट का माउंट है, और ये एक स्क्रू है, नट वगैरह। बाकी जो इसमें बैटरी आती है ना, वो चेंज हो चुकी है पूरी, ठीक है। ये शायद एंड्यूरो है, ऐसी कुछ बैटरी है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कौन सी बैटरी होगी, एंड्यूरो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ब्लैक में आती है, वो ब्लू में आती थी, हमने पूरा इसमें धागा वगैरह बंधवाया था। तो खोल देते हो, तो जैसे हीरो 9 दिखता है वैसे हीरो 10 दिखता है, वैसे ही सेम हीरो 11 दिखता है, ठीक है। कोई भी मतलब आउटर बॉडी में तो कोई भी चेंजेस वगैरह है नहीं, मेरे को तो कुछ लगा नहीं। बस जो है हीरो 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, हीरो 10 में 10 लिखा रहता है, 9 में 9 लिखा रहता है, 9 में ग्रे कलर से लिखा रहता है, और हीरो 10 और 11 में ब्लू कलर से लिखा रहता है, बस यही पहचान है। बाकी तो भाई कोई पहचान ही नहीं पाएगा, अगर अंदर इसका पूरा इंटरफेस खोल के ना देखे ना तो नहीं पहचान पाएगा बाहर से कौन सा है क्या है, ठीक है। तो हीरो 11 ही बेस्ट लगा, क्योंकि मेरे को हीरो 10 पड़ रहा था 47,000 के अप्रॉक्स, और उसी प्राइस रेंज में ये मिल गया मेरे को हीरो 11 47,000 का, ठीक है। वो 45,000 का हो गया स्टैंड अलोन जो इंडिया वाला आता है, और ये मेरे को 47 का पड़ गया, ठीक है। तो मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा लेना, तो मैं ये लेके आ गया। तो अभी 2:22 हो गया, सारी सेटिंग्स वगैरह कर ली है, खाना भी खा लिया है, और जो अभी आप ये फुटेज देख रहे हो ना, पूरी ये हीरो 11 से शूट कर रहा हूँ मैं, तो क्वालिटी में तो अंतर दिख रहा होगा हीरो 9 में और हीरो 10 में, तो यार मेरे को तो दिख रहा है, अगर मैं स्क्रीन में चेक कर रहा हूँ ना तो मेरे को डिटेलिंग वगैरह भी ज़्यादा दिख रही है। बाकी जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना, मैं 2.7K 50fps पे कर रहा हूँ, हीरो 9 में भी 2.7K 50fps पे कर रहा था, हीरो 9 में शायद 5.3K नहीं है, बट इसमें 5.3K है, तो मैं 4K में भी नहीं करता हूँ, 5.3K में भी नहीं करता, क्योंकि यार सॉफ्टवेयर भी झेलने वाला होना चाहिए ना। अगर मैं ये अगर 4K में भी बनाऊंगा ना, तो फिर वो अभी मेरे को नहीं लगता कि इतने ज़्यादा अच्छे से रेंडरिंग वगैरह कर पाएगा, एडिट वगैरह कर पाएगा, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा लैग होने लग जाएगा, तो इसलिए मैं 2.7K में करता हूँ, और जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना तो उसे 1080p में ही करता हूँ हमेशा। बाकी जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना, मैं अंदर की तरफ शूट कर रहा हूँ कमरे में आके, इंडोर लाइटिंग है पूरी, तो जितनी भी सनलाइट की वेंटिलेशन आती है ना, तो उसी लाइट में ये पूरी क्वालिटी आ रही है। अभी मैंने एक बल्ब तक नहीं जलाया, तो आप देख सकते हो, अगर आप हीरो 11 परचेस करना चाहते हो तो भाई देख लेना, इस तरीके से कुछ क्वालिटी आएगी।